यहाँ पे जब आप रात को रुको ना तो क्या करना कि रात को बीच पे जाना है यहाँ के, उससे पता है क्या होगा, उससे आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ नज़ारा है इस ब्रिज से, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो नाउ गाड़ी बढ़ाते हैं आगे एंड चलते हैं। क्या हुआ? रुक गए? रुके क्यों? फिर नहीं रुका मैं। अच्छा ऐसा क्या? यहाँ से ना 3 किलोमीटर पीछे है ना एक बिरला टेम्पल है। हाँ अभी जाते हैं। अच्छा है रे टेम्पल, अभी जाते क्या? आते टाइम? नहीं आते टाइम तो चलेगा चलेगा। कूल कूल चलेगा। हेलो जी, क्या हाल है? तो हाजिर हूँ मैं लेकर आप लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो, एक ब्रांड न्यू राइड के साथ। क्या है, आज संडे की जगह सैटरडे को जा रहे हैं राइड पे, एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह पे मैं शायद कुछ सालों पहले गया था, शायद कॉलेज के टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर। एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड, एंड एक्साइटेड होना भी चाहिए। तो आई एम ऑल रेडी, माई बाइक इज़ रेडी, एंड आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बट फिलहाल ही राइड शुरू करते हैं। जो भी बातें हैं वो अपन चलते चलते करते हैं। वैसे तो मुझे टूवर्ड्स नॉर्थ साइड जाना था, लाइक टूवर्ड्स गुजरात साइड, बट ये जगह भी प्लान थी, मेरी प्लान में थी। एंड मेरे ख्याल से मैं शायद उस जगह अकेला ही जाऊँ, बिकॉज आई बीन आस्किंग पीपल लाइक हु यूजुअली राइड विथ मी टू कम विथ मी ऑन दैट लाइक टू दैट प्लेस, बट वो देवर लाइक कि नहीं यार बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है, काफ़ी टाइम लगेगा। सो आई एम लाइक कि ठीक है चलो अकेला जाना पड़े तो अकेला जाएंगे, बट आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। इट इज़ लाइक एट द महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, अगेन नॉट वेरी फार फ्रॉम मुंबई, इट इज़ अराउंड 170 किलोमीटर्स। एंड वहाँ पे मैं बाइक से जाऊँ कार से जाऊँ आई एम नॉट श्योर, वो देखेंगे जब वहाँ पे जाने का प्लान होगा तो डिसाइड करेंगे वहाँ पे। बात अभी कुछ ऐसी है कि धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो भैया है हमारे, जो आज मेरे राइडिंग पार्टनर है, लाइक ही सेड टू मी के अगर अपन 80-90 की, उनके वर्ड्स थे, मैं बताता हूँ, भाई 150 cc है मेरा, 80-90 पकड़ के चलते हैं अपन, वरना मैं पीछे रह जाता। मजाक नहीं उड़ा रहा, बट ठीक है, कब राइडिंग पार्टनर है तो पार्टनर के जैसे ही चलेंगे, है ना। सो टू गिव यू गाइस एन अपडेट, हमने एक हॉल लिया था, लाइक वी आर इन पनवेल राइट नाउ, एंड आप देख सकते हो कि आगे कितना फॉग है भाई साहब, ठंडी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। एंड अभी एज पर मैप इट इज़ 2 आवर्स हमारा डेस्टिनेशन, 2 घंटे की दूरी पर है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। जस्ट एक चाय की चुस्की के लिए ब्रेक लिया था हमने, एंड वी आर बैक ऑन द रोड, एंड दिन का उजाला हो चुका है। ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो गाइज, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, तो माई नेम इज़ अंकित शर्मा, एंड ऑन दिस चैनल ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज़ गेट दी एक्सपीरियंसेस जो मैंने मेरे पास्ट में मिस किए हैं। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे तो उसमें आई हैव ब्रीफली टोल्ड अबाउट हाउ माई लाइफ हैव बीन एंड वॉट आई एस्पायर इन द कमिंग फ्यूचर एंड वॉट आई एस्पायर अबाउट दिस चैनल। एंड अगर आप एक रिटर्निंग व्यूअर हो मेरे चैनल पर तो थैंक्स अ लॉट, ऐसे ही आपका प्यार दिखाते रहिए। सो दैट वॉज a brief rant about me and me asking you to subscribe my channel, that is all। बस वादियों का मज़ा लेते हुए चलते हैं। फिलहाल तो मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे कप कप ही फील हो रही है, इतनी सर्दी लग रही है। आई एम गोइंग टू काशिद बीच जो है अलीबाग से आगे, मुंबई से अराउंड 140 किलोमीटर्स पड़ता ही है,
बट बिकॉज ऑफ द रोड्स यहाँ पे लाइक पहुँचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। मैंने ये यहाँ पे आने का सोचा था काशिद बीच, तो मैंने एक बार ये भी सोचा कि अभी जो अटल सेतु खुला है, आप लोग को अगर पता होगा अटल सेतु जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जो है खुला है, दैट इज़ द 22 or 23 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल रोड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उस रोड से गाड़ी लेके जाएं इस बीच पे, बट फिर ऐसा भी था कि यार 1.5 महीने से राइड नहीं की है, तो मैंने सोचा एंड फिर मेरे को लगा नहीं यार बाइक को थोड़ी प्रायोरिटी देते हैं इस बार, गाड़ी से तो अपन वापस भी कभी आ सकते हैं, तो बस वही सोच के आई केम ऑन अ बाइक राइड एंड गाड़ी नहीं लेके आया मैं। बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ब्रेक माई कार, बिकॉज मुझे वो अटल सेतु का एक्सपीरियंस लेना है। तो उस बार अलीबाग नहीं जाके कहीं और जाएंगे, बट आई विल डेफिनेटली टेक दैट अटल सेतु। होपफुली फैमिली को लेके जाऊँ मैं उस रोड से, उनको भी मज़ा आएगा, एंड होपफुली जब मैं उस रोड पे जाऊँ तो मैं शायद एक आधा कैमरा भी ले लूँ, ताकि आप लोग को जो फील्ड ऑफ व्यू है या मेरे जो शॉट्स है वो और बेहतर तरीके से बता पाऊँ। एंड कैमरे से याद आया कि अ बिग शाउट आउट टू माय फ्रेंड एंड माय बड्डी रोशन, उसका एक यूट्यूब चैनल है एम टाउन रोशन करके, एम टाउन रोशन करके है। एंड व्हाई आई एम गिविंग इस शाउट आउट इज बिकॉज ये जो आप गोप्रो देख रहे हो यहाँ पे मिरर में, ये मुझे उसने दिया है। लाइक आई डोंट ओन एनी कैमरा, मैंने आज तक जितने भी लाइक मोटो व्लॉगिंग करने की कोशिश की है या मोटो व्लॉग किया है वो मैंने मेरे आईफोन से ही रिकॉर्ड किया है, बट आई एम प्लानिंग टू बाय कैमरा, बट यार कैमरेज बहुत महंगे आते हैं, तो आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। एंड वैसे आज रोशन का भी प्लान था आने का इस राइड पे, बट फॉर सम अदर रीजंस वो नहीं आ पाया, एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट इफ ही कैन गिव मी हिज कैमरा लाइक सो ही वाज काइंड इनफ टू लेट मी बोरो इट, सो अ बिग शाउट आउट टू रोशन। रोशन मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, तेरा कैमरा बहुत हेल्प करेगा मुझे आज। एंड आज का ये जो भी व्लॉग होगा या जो भी मोटो व्लॉग होगा वो सब इसी गोप्रो से शूट होगा। और बताओ भाई लोग, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा राइड पे? मज़ा हमेशा आता रहना चाहिए, जैसे वो अपने दीप भाई बोलते हैं ना, मौज चलती रहनी चाहिए। बस उसी तरह मज़ा आता रहना चाहिए यार, वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए चलो, मज़े लेते चलो, मज़ा तो आएगा ही, अपने आप ही आ जाएगा। अभी तो हम सीधे निकल जाते गोवा हाईवे सीधा वाला, और अलीबाग के लिए हमें लेना है लेफ्ट, जो हमने ले लिया है। अगर आप सीधा जाओगे गोवा पहुंचोगे। अरे यार अब यहाँ से इंटरनल रोड शुरू और मेरा रोना धोना शुरू, बिकॉज अब छोटे छोटे रोड्स हैं। आगे देखते हैं, आगे एक नेशनल हाईवे लग रहा है हमको, उस हाईवे पे क्या होता है बगू, तो अपन बगू वो हम देखते हैं। अरे देखते रे बंगड़ू देखते। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रुकना है तो शायद रास्ते में बीच में रुके या फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच के रुके। तो क्या रास्ता है देखो यार, क्या रास्ता है, आय हाय 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 हाय। थोड़ा क्लियर होता ना वेदर, लाइक 10% भी क्लियर होता ना तो आपको मज़ा आता है ये रास्ता देखने में, बट यहाँ रास्ता देखते देखते रास्ते से नज़र नहीं हटानी हमें, वरना दुर्घटना तो घटेगी घटेगी, बिकॉज सिंगल लेन रोड है। आप जैसे देख रहे हो गाड़ी का आवन भी इधर से ही है और जावन भी इधर से ही है, तो ऐसे में दुर्गति हो सकती है भाई। द रोड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओह दिस इज अ डैम, डैम दिस इज अ डैम।
वैसे अगर आप जब भी अलीबाग आओ ना, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे एक या दो रात रुकने के लिए आओ। एंड यहाँ पे जब आप रात को रुको ना, तो क्या करना कि रात को बीच पे जाना यहाँ के। उससे पता है क्या होगा, उससे आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। एंड पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रात को वेदर क्लियर होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़, जो मून की रोशनी होती है ना, वो पानी पे पड़ के, जो अपना अरेबियन सी है उस पर पड़ के इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से उठ जाने का। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 6-7 साल पहले आया था यहाँ पे, एंड हम कॉलेज फ्रेंड्स आए थे, हमारा कॉलेज का ग्रुप आया था। तो हम रात को अराउंड 1:30 बजे के आसपास हम बीच पे गए थे, एंड ट्रस्ट मी, वो जो नज़ारा है या वो जो व्यू है ना, वो मेरे माइंड में अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप आओ अलीबाग या काशी, तो यहाँ पे एक नाइट या दो नाइट का हॉल्ट लो, बीचेस एक्सप्लोर करो, बीच ग्रेज करो, जो भी करना है आपको करो। बट रात को एक बार ना, लेट लाइक मिडनाइट के आसपास एक बार बीच पे ज़रूर जाना। हाँ, बारिश के टाइम पे दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बट सर्दियों के मौसम में लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इट्स अ मस्ट, यू नो, वन टाइम एक्सपीरियंस थिंग। एंड अभी रोड भी देखो इतना मस्त है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, हमको भूख लग रही है बट खाने को कुछ आ ही नहीं रहा है, बस ये ठंडी ठंडी हवा जो आ रही है वही खाते हुए चल रहे हम। बट यार भूख लग रही है, भूख से ना सर भारी होने लगा एक्चुअली अभी। आई होप कि हमें खाने को बहुत ही जल्द कुछ मिल जाए, वरना हम ज़ॉम्बी बन के इंसान खा लेंगे। हाँ। कुछ भी बकवास करता है लड़का। थर्ड रिवर्स मांडवा अलीबाग, अलीबाग इज 8 किलोमीटर्स, काशी इज 43 किलोमीटर्स, मैप दिखा रहा है 39 किलोमीटर्स। सो अपेरेंटली माई GoPro's बैटरी डाइड, बट हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, 14 किलोमीटर है, एंड ये ब्रिज पर रुके हैं। एंड ब्रिज पर रुकने के बाद समझ में आया कि भाई GoPro की बैटरी तो डेड है, तो बस बैटरी चेंज की। एंड ऐसा कुछ नज़ारा है इस ब्रिज से, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो नाउ गाड़ी बढ़ाते हैं आगे, एंड चलते हैं कर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आई डोंट नो यार, मैंने इतना कुछ बोला है, आई थॉट के द GoPro वॉज रिकॉर्डिंग, बट अगर फुटेज आई ही नहीं होगी तो अपेरेंटली आई वुड हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फुटेज, जो भी मैंने बोला है, जो भी मैंने दिखाने की कोशिश की आपको यहाँ के गाँव या कुछ। बट ठीक है, आई गॉट द बैटरी चार्जर, इसको लगा दूँगा बैटरी चार्जर पर। आई हैव गॉट दी what we say, I've got the power bank as well, so I don't have to worry about anything or stuff. The only thing which I'm worried about right now is food, because we've been hunting food since we left the highway and entered for Alibag, but unfortunately we haven't been successful enough to find some good places to eat, and that is why you see this thing, the center one which says Kashid Beach, it is actually a white sand beach, and I would definitely show you guys the beach. If you haven't seen it already, and if you haven't been here,
सो या काशिद बीच रिजॉर्ट, अब थोड़ी थोड़ी खुशी होने लगी है एंड कोस्टल रोड है। क्या हुआ, रुक गए? रुके क्यों? अच्छा ऐसा क्या? यहाँ से ना 3 किलोमीटर पीछे है ना एक बिरला टेम्पल है। हाँ जाते है, अच्छा है टेम्पल। अभी जाते क्या? आते टाइम चलेगा, चलेगा, कूल कूल चलेगा। सो अभी दिल खुश होने लगा है बिकॉज हमारी मंजिल पास आने लगी है। इधर लेफ्ट साइड पे इट इज़ अ कोस्टल रोड बट आपको नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पे इतने सारे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स बोल सकते हैं आप इसको, जो भी है। एंड ये वैसे तो JSW का प्लांट है। वी आर अबाउट टू रीच अवर डेस्टिनेशन सी, दिस दैट इज, दिस इज दी बीच, नहीं बीच नहीं बोलूँगा, कोस्टल एरिया है, मैंग्रोव्स है नीचे, समुंदर अपना अरेबियन सी, जिंदाबाद। हाँ यहाँ का पानी इतना क्लियर नहीं है अपेरेंटली, मुंबई या मुंबई के आसपास के आप कोई भी बीचेस देखोगे तो उसका पानी आपको इतना क्लियर नहीं मिलेगा, बट ठीक है, यू गेट द बीच वाइब्स। अगर आप लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है तो वो ही सही। तो फाइनली मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी हैज़ कम टू एन एंड, एज हम लोग पहुंच चुके हैं काशिद बीच पे एंड काशिद बीच के ही रास्ते में हमें, मैं इतनी देर से जो बुक कर रहा था, फाइनली हम यहाँ पे काशिद सी कैफ़े करके है तो वहाँ पे हम रुके, लाइक वी हैड पोहा। एंड अभी प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से जंजीरा फोर्ट पास में है या फिर काशिद बीच पे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस निकले, तो वी आर प्लानिंग दैट। एंड ये रही हमारी बाइक्स एंड ये मेरे भैया भाभी जो मैं बता रहा था सुबह, नेबर्स। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम, ही इज़ मनोज एंड उनकी वाइफ। तो दे आर माई नेबर, लाइक दे वेयर माई नेबर्स बट देन इन्हें मूव हो गए, बट वी आर स्टिल इन टच। तो इन्होंने बोला था लेट्स प्लान अ राइड, तो काफ़ी टाइम से हम प्लान भी कर रहे थे राइड बट कभी हो नहीं पाया सक्सेस, तो आज मौका मिला तो हमने सोचा कि मौके पर चौका मारते हैं। तो अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से काशिद जाए, क्या जंजीरा फोर्ट जाए या फिर बीच पे थोड़ा रिलैक्स करके वापस घर पे जाए, वॉट एवर इट इज़ आपको पता चल ही जाएगा। अभी तक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, आगे की स्टोरी आपको बाद में पता चलेगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।